नमस्कार सर। हाँ सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? दिलीप सिंह राजपूत सर जी। दिलीप भाई, ये गाड़ी आप चला रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप गाड़ी के मालिक हैं या ड्राइवर हैं? हम मालिक हैं सर। मालिक है। गाड़ी का आपका मोबाइल नंबर क्या होगा सर? 9588444632। ओके। ये गाड़ी पियाजो की कार्गो CNG बेसिक्स गाड़ी है। हाँ जी। LDX प्लस है, 6 फुट के अंदर। तो आप इस गाड़ी को किस व्यवसाय में यूज़ करते हैं? हम सर जी 19 kg के मंच 19+, इसमें 19 kg गैस रहता है। ओके। टोटल वेट आप समझिए ना 38 kg हो जाता है। अच्छा, तो ये गाड़ी सिलेंडर के ट्रांसपोर्ट में काम आती है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी इस गाड़ी में कितने सिलेंडर आ जाते हैं? लगभग आप 20-25 आ जाते हैं सर। आ जाते हैं। तो कितना वजन हो गया टोटल? आप अभी 38 × 25 सर जी देख लीजिए, 1 टन से आगे जाता है वजन। मतलब 1 टन के आसपास हो जाता है। तो कहने का मतलब 19 किलो गैस और लगभग 19 किलो का सिलेंडर हो गया, 38 किलो। ओके। अच्छा, ये गाड़ी इतना वजन से आप चलाते हैं तो किस रूट पे गाड़ी चलती है, किस क्षेत्र में चलती है? रूट तो आप यही अपने विलेज रोड पे चलती है सर जी, और इस विलेज रोड तो आपको मालूम है, पर फिर इस गाड़ी का आप ये गाड़ी का रिस्पांस वगैरह सब अच्छा है, मतलब आप कंफर्टेबल से चला पाएंगे इस गाड़ी को। अच्छा, तो मतलब आपका मतलब गांव के रूट पे भी चलती है, शहर पे तो आपको दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एरिया बता सकते हैं कहाँ कहाँ घूमती है गाड़ी? है हाँ, ये अलीबाग टू मुरुड और वापस मुरुड टू कार्लेखिंड तक आ जाती है, आ जाती है गाड़ी। हाँ। अच्छा, तो इस यहाँ पे घाट भी है थोड़ा, फ्लाईओवर वगैरह में है, तो इतना वजन लेके चलने में कहीं दिक्कत? हाँ, नहीं नहीं सर जी, दिक्कत कोई नहीं आती है। अच्छा, गाड़ी में चलाने में कैसा कंफर्ट है? आप खुद चलाते हैं? हाँ सर जी, मैं खुद चलाता हूँ। तो मेरा तो रिस्पॉन्स ऑल 5 स्टार है। अच्छा, बिल्कुल एकदम कोई, और सर्विस वगैरह बहुत बढ़िया है, सब सर्विस सेंटर्स की सर्विस, और जहाँ फ़ोन करेंगे आपको वहाँ सर्विस बिल्कुल मिल जाती है, टाइम पे मिल जाती है। हाँ जी। अच्छा, गाड़ी के अंदर बैठने में आपको कंफर्ट वगैरह, थकान वगैरह कुछ ना सर जी? आप इतना सिलेंडर लेके जाते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत वगैरह का कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस गाड़ी से संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी तक कितना चल चुकी है गाड़ी? ये 8000 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। हाँ। गाड़ी में कोई बड़ा काम कुछ कोई नहीं है? नहीं सर जी, गाड़ी चलाने में ठीक है। हाँ। अच्छा, गाड़ी का लुक कैसा लगा, गाड़ी देखने में कैसी लगी? बहुत बढ़िया है लुक। लुक का तो आप BS6 मॉडल में तो आप समझे लुक वगैरह बहुत अच्छा दिया है, इसमें मैं भी कंफर्टेबल हूँ। CNG और प्लस पेट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं, आप CNG खत्म हो सकता है, पेट्रोल पे भी ड्राइव कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया है, और मैं भी खुश हूँ, और कस्टमर्स भी आप बेफिक्र रहकर लीजिए, कोई इसमें आपको दिक्कत जैसी बात नहीं है। नहीं है। आप ये गाड़ी को किसी को और लोगों को खरीदने के लिए सलाह देंगे, रेकमेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ मेरी तरफ से तो। यस ओके, जस्ट आप चाहिए तो आप टेस्ट करके ड्राइव कीजिए, आप नहीं तो आप समझोगे कि यस ये बोल दिया, ये नहीं, आप जस्ट टेस्ट एंड सी व्हाट्स, देन आप भरोसा कीजिए, मैं तो संतुष्ट हूँ एकदम, मेरी तरफ से तो 5 स्टार है एंड ऑल द बेस्ट, आगे और अच्छा मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अच्छी वगैरह लाएंगे, दैट्स मैं तो और बोलना चाहता हूँ बस इससे आगे कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। ओके। तो दोस्तों, ये BS6 पियाजो का कार्गो गाड़ी, CNG गाड़ी, सर ने बताया कि वो गाड़ी से बहुत संतुष्ट हैं, और बात भी सही है, क्योंकि इस गाड़ी को मैं देख पा रहा हूँ, मैंने विशेष ध्यान इस पे दिया। इस गाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो बकायदा एक ब्रांडिंग है गैस की, मतलब ये गैस का सिलेंडर आप खुद समझ सकते हैं कितना हैवी सिलेंडर, भारी सिलेंडर होता है, और उसके बाद इस गाड़ी के अंदर उसको लेके चलना और गाँव के रोड पर, ये गाड़ी अभी पनवेल में है, तो पनवेल सेंटर में का जो आसपास का क्षेत्र देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक वहाँ पे आपको ग्रामीण क्षेत्र ही मिलेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गाड़ी का चलना और इतना सारा ठोस वजन लेके चलना। आपने इस गाड़ी के अंदर टायर भी कुछ बड़े मोटे से लगवाए हैं या ये टायर ऐसे ही हैं? नहीं, चेंज करवाए? नहीं नहीं सर जी, वही है। हाँ। ओके गुड, कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक और पियाजो के संतुष्ट ग्राहक से, जो कि पियाजो के कार्गो व्हीकल से संतुष्ट है और रिकमेंड भी कर रहा है औरों को लेने के, उनसे मुलाकात करवाई। आपकी कोई भी फीडबैक, कोई शेयर, कोई कमेंट्स हम शेयर कीजिए, और आपको कोई सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए गाड़ी खरीदने के विषय में, तो आप मुझे टैग कर सकते हैं। धन्यवाद।